तो गाइस फिलहाल अभी आपको बता दूं कि आप देख सकते हो कि इतना क्यूट क्यूट से बेबी भाई यहाँ पर है ना रेलवे का, फिलहाल आप कितना एंजॉय कर रहे हैं आप ये देख सकते हैं। फिलहाल क्या नाम है बेबी आपका? सॉरी सिद्धांत नाम है आपका? मितांश नाम है। वाह यार क्यूट नेम। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? अच्छा लग उतरेगी। फिलहाल आपको वहाँ से आउट करने के लिए आपको यहाँ पर प्लग इन करना पड़ेगा। फिलहाल अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए अभी जैसे स्टेशन आया यहाँ पर दिखाओ ये कैसे ओपन होता है ग्रीन लाइट जलने पर। और ये फाइनली आ गया है स्टेशन। अभी ये फिलहाल अभी डोर्स ओपन करने लगेगा, ग्रीन लाइट जलने के बाद अभी आपको डोर ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए प्लग इन करा, देख सकते हैं ग्रीन लाइट, यहाँ से आपको आउट होना पड़ेगा। हेलो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर सेंसेशनल ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे आप सभी? तो गाइज आज आपको मैं फिर से एक ऐसी जगह लगा लेके आया हूँ कि जहाँ आप जैसे मेरे पीछे दिख पा रहे हो कि यहाँ पर हम फिलहाल अभी दुहाई डिपो स्टेशन पे आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर आपको नजारा आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए फिलहाल अभी हाल फिलहाल में परसों 21 अक्टूबर की इसकी ओपनिंग करी गई है। अभी आपको मैं बता दूँ दिल्ली से मेरठ के लिए फिलहाल बहुत जल्दी आपको रैपिड रेल पे आपको यात्रा वैसे स्टार्ट तो हो चुकी है, लेकिन करीबन सिर्फ उसमें से 4 से 5 मेट्रो स्टेशन से ही फिलहाल अभी आप इसको डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। कि 17 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा जो फिलहाल अभी रनिंग में है। जैसा कि आपको बताता हूँ फिलहाल अभी मैं आखिरी दुहाई डिपो स्टेशन पर यहाँ पर मैं अभी हूँ और यहाँ से फिलहाल अभी हम लेंगे टिकट गाजियाबाद को लेकर। और यहाँ पर दो चीज़ें आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक होगी स्टैंडर्ड और एक होगी प्रीमियम। ये दोनों दोनों टिकट्स पर जो फैसिलिटीज़ वगैरह होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल जो पहली वाली वीडियोज़ में आपने मेरा देखा था उसमें था प्रीमियम क्लासेस और अभी मैं स्टैंडर्ड क्लासेस की फिलहाल आपकी आपके सामने टिकट लूँगा, तो उसमें देखेंगे क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज अभी चलते हैं फिलहाल अभी अंदर टिकट वगैरह परचेज करते हैं और यहाँ से चलते हैं फिलहाल अभी गाजियाबाद और क्या कुछ यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड वाले में आपको देखने को मिल जाएगा तो आप पूरा चेकआउट करेंगे उसे। चलिए सो गाइज जैसे आप ठीक सामने देख पा रहे हैं ये है दुहाई डिपो स्टेशन, आपको मैं दिखा देता हूँ फिलहाल। ये देखो आप सामने ही आपको देखने को मिल जाएगा और इसी के यहीं पर आप जैसे ही आप उतरोगे ना फ्लाइट फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल जो रेलवे वगैरह की जितनी भी सर्विस वगैरह है प्रॉपर यहीं से करी जाती है। और इसका जो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो इंजन बनाया है वो सामने देख सकते हो फिलहाल ऑस्टोम ने बनाया है, जो कि आपको सामने नाम दिख रहा होगा आपके NRCTC के तहत। यहाँ पर जितना भी रेलवे का यहाँ पर काम होता है सब कुछ यहीं पर आपको डिपो स्टेशन में अगर आपको देखने को मिल जाएगा। और सामने आप देख सकते हैं कि मेरठ और दिल्ली का हाईवे आपको यहाँ पर सामने को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल अभी पार्किंग वगैरह के लिए और यहाँ से जितने भी विजिटर्स वगैरह हैं आप यहाँ पर अपना एग्जिट वगैरह कर सकते हो। फिलहाल अभी आप पार्किंग के लिए यहाँ फिलहाल अभी 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर की आप यहाँ पर पार्किंग वगैरह लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर देना गया। जैसा कि मैं बता दूँ ओपनिंग फिलहाल भी हाल फिलहाल में इसकी करी गई है जैसे कि परसों 21 अक्टूबर को, तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इसको यहाँ पर सजाया गया है गाइस। और अब चलते हैं फिलहाल अभी यहाँ से करते हैं फिलहाल अभी हम इसकी रेल यात्रा। तो दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हो सामने फिलहाल अभी हमने यहाँ की जो साहिबाबाद की हमने जो टिकट ली है वो अभी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये की मात्रा है, फिर जो नॉर्मल टिकट होने वाली है। अब चलते हैं फिलहाल अभी सामने और यहाँ से उसको स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद ओपन हो गई है और भाई हमारी ये जो ट्रेन जो है ना भाई ओपन हो गई है और हम स्टैंडर्ड वाले में आप यहाँ पर ओपन आ चुके हैं भाई, वरना अभी छूट जाते। तो ये है आपके स्टैंडर्ड नॉर्मल, आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखाई दूँ। ये देखिए फिलहाल अभी भाई वाह क्या बात है यार, सेम ही है यार, प्रीमियम हो रही है यार कुछ बहुत नहीं डिफरेंस नहीं डिफरेंस है डिफरेंस है। मैं आपको गाइस मैं दिखा देता हूँ डिफरेंस आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए फिलहाल अभी वहाँ पर हमें जो सॉकेट वगैरह मिले थे फिलहाल वहाँ पर अपने लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते थे, बट यहाँ पर आपको जो नॉर्मल है आपको नॉर्मल आपको यूएसबी चार्जर वगैरह वो देखने मिलेगा। वहाँ पर मैं क्या था कि मैगजीन वगैरह के लिए आप फिलहाल रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर ना तो आपको फोटोस मिलेगा बस यहाँ पर आप अपना मैगजीन वगैरह रख सकते हैं फिलहाल अभी आप। तो ये है नॉर्मल क्लास का आपको मैं दिखा देता हूँ फिलहाल, ये है नॉर्मल क्लास है देख सकते हैं फिलहाल अभी। सीट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं, कंफर्टेबल्स वगैरह भी हैं आपको, ये देखिए काफ़ी यूनिक है। और यहाँ पर विजिटर्स वगैरह भी आए हुए हैं काफ़ी फिलहाल अभी, इसको काफ़ी एंजॉय करने के लिए ट्रैवल को। और मैं आपको फिलहाल अभी बताऊँ यहाँ पर भी आपको लगेज वगैरह रखने के लिए आपको सामान वगैरह मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पर प्रीमियम वाले में आपको था। और इससे अलग थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कंप्लीट आपको सीटिंग्स वगैरह एरिया के आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपनी पूरी फैमिली के साथ पर अपना आराम से इन्जॉय भी कर सकते हो बैठ सकते हो फिलहाल अभी आप। और ये देखिए फिलहाल अभी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ की, अगला स्टेशन जो है वो कि दुहाई है क्योंकि हम थे दुहाई डिपो पे और दुहाई स्टेशन आने वाला है। ये देख सकते हैं पूरी जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर आपको यहाँ पर LCD वगैरह सीडीज पे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कैसे ला रही है आपको यहाँ पर। तो ये है आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड आपको बता दिया फिलहाल अभी आपको मैंने, वहाँ की जो सीट्स वगैरह थी वो नीले कलर की फिलहाल अभी थी, बट यहाँ पर जो आपको जो वहाँ पर है रेड कलर की मिली। और यहाँ पर आप देखिए भाई यहाँ का नज़ारा देख सकते हो फिलहाल अभी आप ना गाजियाबाद का, ये देखिए फिलहाल अभी आप वो है सामने आपका दिल्ली से मेरठ हाईवे आप सामने आप देख सकते हो फिलहाल अभी। लेकिन जो हम जो कवर करने जा रहे हैं फिलहाल अभी 17 किलोमीटर के अंदर जो अभी हाँ जो रनिंग जो स्टार्ट हुई है आप मात्र 8 से 10 मिनट के अंदर फिलहाल अभी आप इस दूरी को कवर कर सकते हो गाइस। तो गाइस फिलहाल अभी आपको बता दूं कि आप देख सकते हो कि इतना क्यूट क्यूट से बेबी भाई यहाँ पर है ना रेलवे का फिलहाल अभी कितना इन्जॉय कर रहे हैं आप ये देख सकते हैं। फिलहाल क्या नाम है बेबी आपका? सॉरी सिद्धांत नाम है आपका? मितांश नाम है। वाह यार क्यूट नेम। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। आपने किसी को दिया नहीं? पूरे खा गए क्या? पूरे खा गए ओके।
तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फिलहाल अभी आपको कैसा लग रहा है, और नॉर्मल मेट्रो की स्टेशन की है और फिलहाल और ये जो मेट्रो है क्या फर्क आपको देखने को मिला यहाँ पर? बहुत डिफरेंस है, काफी अच्छा है, बहुत क्लीन है, फैसिलिटीज अच्छी है, प्रीमियम क्लास में आपके पास वेंडिंग मशीन भी है, वेंडिंग मशीन भी है, प्लेटफॉर्म पे भी आपके पास प्रीमियम सेक्शन अलग है। मुझे एक काफी यूनिक चीज लगी कि जो वेंडिंग मशीन तो है ही है, उसका साथ में आपको भाई यूपीआई ऑप्शन भी है फिलहाल अभी, अगर आप उसका अपना ट्रैवल कार्ड अगर रिचार्ज वगैरह भी कराना चाहते हो तो आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो फिलहाल अभी, बहुत ईजी हो गया उसके लिए, यूपीआई आप यूज कर सकते हो वेंडिंग मशीन में, आपको कैश की जरूरत नहीं है और काफी फास्ट भी है, मैंने चेक किया था तो 150 की स्पीड आ रही मैक्सिमम जो स्पीड है, वैसे 160 किलोमीटर की बताई गई लेकिन मैक्सिमम जो 150 की बताइए फिलहाल अभी, और सीट्स वगैरह भी काफी कंफर्टेबल है जैसे कि आप देख पा रहे हो कि फैमिलीज वगैरह के लिए आप ये देख सकते हैं फिलहाल कितना अच्छा लग रहा है। अभी आते हुए मैं साइबाबाद से दुबई डिपो आया था, okay. तो मैंने प्रीमियम टिकट ली थी और वापस मैं स्टैंडर्ड में जा रहा हूँ, ये भी सिर्फ देखने के लिए कि कंपैरिजन क्या है, राइट कंपैरिजन क्या है, तो प्रीमियम क्लास की सीट बहुत कंफर्टेबल है, रिक्लाइन हो जाती है और काफी अच्छा है। तो वैसे ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है लेकिन हाँ कि मतलब कि टोटली कि एंजॉय अपने बंदे को साथ फैमिली के साथ एंजॉय काफी अच्छे से कर सकते, लेकिन एक चीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को यहाँ पे लगा काफी ज्यादा क्लीननेस है कि मतलब साफ सफाई की बहुत ज्यादा की वो रखी हुई है, प्लेटफॉर्म्स आर वेरी क्लीन, वेरी क्लीन एंड इनसाइड द ट्रेन आल्सो इट्स वेरी क्लीन, दे आर रेगुलरली क्लीनिंग द प्लेटफॉर्म एंड द ट्रेन, सो इट्स वेरी गुड। एंड स्टेशंस वगैरह पे मैंने शायद देखो तो जब मैं उतरा था फिलहाल अभी लास्ट वाले पे अभी आपका दुबई डिपोर्ट पे, तो वहाँ पर जो पानी पीने का जो ऑप्शन था वहाँ पर काफी यूनिक था कि आपने वाटर बॉटल भी मैंने यूजली अभी बाहर ही देखा है, अच्छा इंडिया में नहीं देखा था ये वाला सिस्टम, वाटर डिस्पेंसर वगैरह लगे हुए, काफी अच्छा है, डेवलप हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो गाइस आप ऐसे फिलहाल सोचते हो जितने भी यहाँ पर विजिटर्स अपनी फैमिली वगैरह के साथ आए ना तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है उनको यहाँ पर आगे, तो गाइस हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर आप यहाँ पर देखना आना चाहते हो इसकी प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इस ब्लॉग के थ्रू आपको मैंने दे दी फिलहाल अभी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर अपने रिव्यू सीधे सर, थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय, किसी को मत देना सारा खा जाना ठीक है, ओके बाय। भाई ये देखो तो फिलहाल अभी है ना वंदे नमो भारत का कितना यहाँ पर आप फिलहाल अभी देख सकते हो, फिलहाल कितने सारे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर जितना भी है ना, ये देखिए फिलहाल तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है यहाँ पर, तो जितने भी पैसेंजर्स वगैरह हैं जितने भी यहाँ पर आपको विजिटर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे जो भी है यहाँ पर सबको इन्जॉय कर रहे हैं इस फिलहाल को, और काफ़ी भाई इंटरनेशनल किसी ना मतलब हवाई से तो कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल फिलहाल अभी जहाज वगैरह में यहाँ पर फिलहाल अभी ट्रैवल वगैरह कर रहे हो आप यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर आपको ना जरूर आना चाहिए फिलहाल अभी, अगर आप विजिट वगैरह करना चाहते हो फिलहाल अभी आप यहाँ पर जरूर ट्रैवल करो यहाँ पर आप ओके ना, तो कुछ एक अलग ही आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए जैसे फिलहाल अभी कोई लास्ट फिलहाल जो भी स्टेशन आपका आएगा तो उसके लिए भी आपको बाहर से ना पर एग्जिट करने के लिए आपको ये सामने जो भी फिलहाल ग्रीन लाइट जैसे, तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो फिलहाल अभी, तो मैं अभी सर से पूछना चाहूँगा सर क्या नाम है अभी आपका? अंकुर, पंकज होगा, ओके पंकज जी, तो फिलहाल अभी आपको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है फिलहाल अभी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर जैसे कि परसों से यहाँ पर ओपनिंग वगैरह हुई है? मैं आपको बताना चाहता हूँ हाँ, मैं स्पेशली दिल्ली से रैपिड मेट्रो रैपिड मेट्रो उसमें सफ़र करने आया अपनी पूरी फैमिली के साथ। अच्छा, सिर्फ स्पेशली मैं 40 किलोमीटर गाड़ी चला करके आया हूँ, गाड़ी पार्किंग में लगा करके और मैं ट्रैवल करने आया हूँ, इसीलिए सिर्फ मोदी जी ने उद्घाटन जो कराया था उसको देखने का, कि जो मोदी ने वे लेवल पे इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इंडिया का जो बढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं रियली वांट टू सी दैट कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, कितना आगे जा रहा है। बिल्कुल एब्सोल्युट राइट, जब देख सकते हो कि फिलहाल अभी जो मोदी जी ने फिलहाल ये जो काम करा है ना आप देख सकते हो भाई, और मैं स्पेशली बता दूं कि जो सर ने 40 किलोमीटर ड्राइव करके अपनी फैमिली के साथ सिर्फ सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं कि भाई यहाँ पर जो इन्होंने जो काम करा मोदी जी ने भाई वो क्या बनाया है क्या नहीं, और क्या एक्सपीरियंस यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ वो लेना है, ना मेरा कोई रिलेटिव है ना मेरा कोई जानने पहचाने, मैं स्पेशली 40-42 किलोमीटर गाड़ी चला करके आप इसकी स्पीड के बारे में क्या कहना चाहोगे, इसकी जो स्पीड आप फील हो रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड है, मैं तो दिल्ली मेट्रो में सफर करता हूँ तो उसके कंपैरिजन में डबल है ना स्पीड है, लास्ट टाइम 150 किलोमीटर पर आवर की थी आई थिंक उतनी नहीं, बट अभी 130 के आसपास अराउंड है, 130 अराउंड, बट फील बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रही है फिलहाल अभी यहाँ पर। मैं तो दुबई में गया हूँ तो आज मुझे कुछ दुबई से भी कम नहीं लगा। अच्छा, अरे भाई क्या बात है यार, दुबई में ही क्या बात है भाई, ये तो बहुत इसके बारे में वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, वंदे भारत ऐसा मैंने ट्रैवल मैंने ट्रैवल नहीं करा, बट आई होप मैं जानता हूँ मोदी जी ने किया तो कुछ अच्छा ही होगा, इससे भी और अच्छा हो सकता है यार, बिल्कुल
तो फिलहाल अभी आप जो अभी जैसे नॉर्मल क्लासेस में फिलहाल अभी हम बैठे हुए हैं नॉर्मल, तो यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर अलग चीज़ आपको देखने मिलेगी, एक स्टैंडर्ड क्लासेस है और एक प्रीमियम क्लासेस है, दोनों की जो टिकट में अवेलेबल है। मैंने दोनों में ट्रैवल किया बट मुझे मेजर डिफरेंस कुछ लगा नहीं, ज्यादा लगा मुझे एक जैसा ही लगा। हाँ, क्योंकि मैंने आते वक्त मैंने उसकी प्रीमियम की ली थी मैंने। हाँ, अभी जाते हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड के लिए, तो हाँ, मुझे कोई मेजर डिफरेंस वो खाली सीट्स वगैरह का देखने को मिल रहा है, दैट्स ऑल, और इससे ज्यादा कुछ था नहीं। मैं यही कहना चाहूंगा थोड़ा सा फेयर में रिडक्शन किया जाए। हाँ, कोई इतना ये अननेसेसरी लगा मुझे, बस दैट्स इट, बाकी तो ऑल ओवर प्राउड टू बी इंडियन। तो ऐसे है पंकज जी फिलहाल अभी, तो उनको जाके अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे स्पेशली यहाँ पर ट्रैवल करने आए थे सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई यहाँ पर आके कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपका रिव्यू देख लिया, थैंक यू सो मच। तो गाइस फिलहाल अभी देख सकते हो, फिलहाल अभी यहाँ पर भाई बड़ी जबरदस्त स्पीड हो गई है, देख सकते हो ये देखिए फिलहाल, और यहाँ पर देख सकते हो खूबसूरती यहाँ पर गाजियाबाद की, ये देखिए अल्टीमेट, और सामने जो आपको मैं दिखाऊँ वो है दिल्ली टू मेरठ हाईवे, और ये भाई जो ट्रेन आने वाली है ये देखिए ज़बरदस्त स्पीड बढ़ रही है भाई, और ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ से ना, बहुत ज़बरदस्त है यहाँ। और जो नॉर्मल मेट्रो की अगर मैं अकॉर्डिंग की बात करूँ फिलहाल उसकी जो हाइट्स है उसकी हाइट्स में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है कि थोड़ा सा हाइट्स की ज़्यादा है और मेट्रो स्टेशन के लाग बहुत यूनिक, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं आप फिलहाल कहीं बाहर वगैरह ट्रैवल करने जा रहे हो, आपको नॉर्मल कभी ऐसा लगेगा ना कि आप इंडिया में कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जनरल सच बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि बाहर देश विदेश में फिलहाल आप ट्रैवल करने जा रहे हो, जिस तरह से यहाँ पर हर चीज़ की जो आपको मैं बता दूँ कि जिस क्लीननेस का बहुत मतलब ख्याल रखा गया, हर चीज़ की साफ सफाई का ख्याल रखा गया, हर चीज़ की मतलब आप अपना सुविधा यहाँ पर आपको चीज़ें दी गई है, मतलब अल्टीमेट है, मतलब कुछ भी कह सकते हो आप फिलहाल अभी देख सकते हो अपना ये देखें, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस है पर अलग मेट्रो के हिसाब से अपॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा क्लीननेस है और हर चीज़ का बहुत अच्छा यहाँ पर ख्याल रखा गया। और ये देखिए फिलहाल अभी जो हम मैं फिलहाल अभी सीट पर बैठा हूँ ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो पूरी कंप्लीट फैमिली यहाँ पर अपना आराम से बैठ सकती है, तो ये तो फिलहाल गाइस मेरा भी एक्सपीरियंस है, बाकी जो और भी यहाँ जितने विजिटर्स हैं उनका भी सेम एक्सपीरियंस ये है कि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और स्पेशली वो सिर्फ यहाँ पर कहीं अपने फैमिली से कहीं रिलेटिव से कहीं मिलने नहीं जा रहे, वो सिर्फ स्पेशली सिर्फ ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि भाई कुछ नई चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए वो यहाँ पर आप छोड़ आए हैं। तो भाई ये आ चुका हमारा स्टेशन, आ चुका स्टेशन साईं बाबा स्टेशन आ चुका है, और चलेंगे फिलहाल अभी यहाँ से भी एग्जिट करते हैं, और ये देखो यहाँ से प्लग इन करना पड़ेगा फिलहाल अभी, मैं हमारे भाई ने प्लग इन कर दिया और यहाँ से ये खुल गया वो डोर, और हम यहाँ से जा रहे हैं फिलहाल अभी बाहर अपने स्टेशन पे। तो दोस्तों फिलहाल अभी आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कितना तेज़ी कितना स्पीड बढ़ गया भाई यहाँ पर, ये देखो भाई पूरे गाजियाबाद शहर का यहाँ पर आपको व्यू देखने को मिलेगा, ये देखिए भाई क्या व्यू लग रहा है यार, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत व्यू, एंजॉय कीजिए, जो रेलवे लाइन है वो आपको भी दिख रही है, यहाँ पे आपको एक राजधानी जाते हुए दिख रही होगी, आप देख सकते हैं क्या व्यू आ रहा है इसका, रेस लग रही है। दोस्तों फिलहाल अभी जैसे आपको मैंने बताया कि अभी फिलहाल हमने नॉर्मल वाले अभी जिसमें बैठे हुए हैं फिलहाल स्टैंडर्ड वाले जो हमने टिकट वगैरह ली थी, और आपको जो मैं फिलहाल आपको एक्सक्लूसिव वाले में जो ली थी जैसे कि लाइक प्रीमियम वाले में, तो उसमें और इसमें डिफरेंस मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, कुछ अलग डिफरेंस तो मेरे को लग रही था लेकिन बस वही सीट्स वगैरह का था, कुछ थोड़ा इसमें सॉकेट्स वगैरह थे यहाँ पर थोड़ा नहीं है, वहाँ पर साउंड स्पीकर में चार्जिंग को लेकर था, बट चीज़ें सिर्फ उसे आप ये देख सकते हैं ये भी कुछ किसी से कम नहीं लगती है, जो क्लास है फिलहाल स्टैंडर्ड क्लास क्योंकि नॉर्मल आने वाली है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी की लगेगी आपको वैसे कितना लगे अपनी बाहर जिसमें यहाँ पर अपना सफर वगैरह कर सकते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना भाई हेड्स ऑफ टू मोदी। तो यहाँ पे आपको पानी की जो सुविधा है वो मिल जाएगी, अभी आपको ट्रायल करके दिखाते हैं, तो आप ट्रायल करके दिखाओ पानी पी के, तो फिलहाल हमारे जो भाई हैं वो ट्रायल करके दिखाएंगे पानी कैसे पिया जाता है, तो हाँ नीचे बटन प्रेस करो, बटन प्रेस करके जो यहाँ पे पानी आएगा, अरे मुँह नहीं लगाना, ये चुप है, हाँ बटन प्रेस करो और तेज दो, हाँ तो इस तरीके से यहाँ पे पानी पिया जाता है, तो गाइज यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं फिलहाल अभी यहाँ कुछ विजिटर्स वगैरह हैं जो अपने बच्चे से क्यूट से बेबी के साथ यहाँ पर फिलहाल अभी आए हुए हैं, तो सर क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम कालू राम है। तो कालू राम जी फिलहाल आपको सर आप यहाँ पर पहली बार फिलहाल अभी जो जैसे परसों से ये स्टार्ट वगैरह हो चुका है, तो आप एक दो बार ट्रैवल कर चुके हैं या पहली बार ट्रैवल कर? पहली बार, बहुत ही अच्छा लगा। तो क्या कुछ अलग था मेट्रो से दूसरे मेट्रो से? उमंग थी मतलब देखने के लिए, अच्छा देख लिया पूरा, क्या बात। अभी जो हमें ये सब चीज़ें जो देखने को मिलेगी बहुत जल्दी दिल्ली से जो मेरठ तक की जो जर्नी है बहुत जल्दी बहुत तेजी से आगे जो बढ़ रही है, तो आपको सुन के कैसा लग रहा है कि फिलहाल ये जो जितना भी डिस्टेंस है बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत अच्छा
तो और ये जो मोदी ने जो काम करा है क्या बात है। तो अभी आप इतने खुश लग रहे हो कि भैया आप तो बहुत जल्दी से पहुंचा सकते हो। तो अपने बेबी मतलब बेबी को कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? हाँ भाई हीरो बताओ कैसा कैसा लगा भाई मेट्रो में बता दो कैसा लगा कहते फाइन। तो फिर अभी देख सकते हो भाई अभी फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं। तो अंकल जी का जैसा कहना था कि उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा स्पेशल लगा, तो कोई दिक्कत इनको प्रेशर अच्छा किया जाए। हाँ तो भाई जिस तरह से हमारा इंडिया बढ़ रहा है ना, जिस तरह से यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं आप देख सकते हो फिलहाल अभी यहाँ कितनी तेजी से हमारा इंडिया बढ़ रहा है। मोदी जी यहाँ पर जो इतना अच्छा काम कर रहे, तो सर फिलहाल अभी मोदी जी के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे फिलहाल अभी? तो मोदी जी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे आप अपने? हम तो कहेंगे हर बार वही है। अच्छा क्या बात है, हर घर मोदी है। तो भाई आप देख सकते हो कि हर घर मोदी है। तो अंकल जी बहुत फैन है, क्या बात है। और एक्सपीरियंस आज आपका बहुत अच्छा था, जो आपने आप कहाँ तक गए फिलहाल अभी आप आज? मैं पहले जो है यहाँ से जो है साहिबाबाद गया, साहिबाबाद से दुबई, अच्छा दुबई से यहाँ आ रहा। क्या बात है जी, बड़ा लंबा ट्रैवल करके गया। और मतलब जो स्पीड थी वो स्पीड कितनी तेजी से जो चल रही थी, मतलब अच्छा पिकअप है, बहुत अच्छा पिकअप है, लेकिन पता लग नहीं रहा था, बहुत स्मूथ से चल रही थी फिलहाल अभी। तो भाई तो सर आपका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत हमारे चैनल के, धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये था फिलहाल अभी हमारा दुबई डिपोर्ट से लेके गाजियाबाद तक का सफर। भाई बहुत अच्छा रहा, बहुत अल्टीमेट रहा, बहुत यूनिक था, बहुत स्पेशल भी था और काफ़ी मज़ा भी आया, सच बता रहा हूँ। और जितने भी यहाँ पर जो अभी ट्रैवल कर रहे लेकिन जितने भी बंदे यहाँ पर आए हुए थे, जितने भी विजिटर्स हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगा। और बाकी बात आपको बता दूँ, दुबई डिपोर्ट से लेके फिलहाल गाजियाबाद का जो ट्रैवल था ना, सिर्फ और सिर्फ 14 मिनट्स के अंदर मैंने जो अभी आइडिया जो लगाया फिलहाल अभी 12 से 14 मिनट के हम फिलहाल अभी यहाँ पर पहुँच गए। तो भाई जो उसकी जो स्पीड है ना, 160 प्रति घंटे की जो रफ्तार के साथ चल रही है ना, बहुत तेज़ी चल रही है, बहुत मज़ा आएगा। आप लोगों को भी, आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर आओ। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर करना। चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस। आपका हसन भाई आपके लिए ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लेके आ जाता है। तब तक मिलते हैं अगले किसी नई जगह पर नए ब्लॉग्स के साथ। आप सभी को मेरा हर हर महादेव, जय हिंद।